अब ऐसे ही है, इसके लिए मॉडिफाई का वर्जन, ये मॉडिफाई द प्राइस टेबल और उसकी 9:2 कर दो, पहले 6:2 थी, 9:2 करनी है हमें। वही करोगे एल्टर टेबल, कौन सा है प्रोडक्ट्स का टेबल है, और मॉडिफाई लिखोगे। अब तुम्हें ऐड नहीं कराना, मॉडिफाई करना पुरानी एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करा दो। लिखोगे नंबर 9:2, बस सिंपल ये एंटर कर दोगे, ये एंटर हो गया। और फिर एंड में क्या है, अब एंड में देखो क्या कह रहा है, डिलीट करना है तो ड्रॉप करोगे। अब डिलीट द एट्रीब्यूट इज एट्रीब्यूट इज इम्पोर्टेड, और डिलीट द एट्रीब्यूट फ़ोन नंबर, वही जो हमने इम्पोर्ट कराए हैं वो डिलीट करवाने हैं, जो ऐड करवाए थे ना हमने एडिशन ऊपर वाले, वो डिलीट करवाने हैं। तो एल्टर टेबल कस्टमर्स, यहाँ लिखोगे ड्रॉप, और फिर उसका सिर्फ सिंपल नेम फ़ोन नंबर। और ये मैंने करा, ये आ गया टेबल कस्टमर एल्टर। अभी मैं पहले सारे दोनों डिलीट कर दूँ, कस्टमर टेबल प्रोडक्ट्स ड्रॉप इज अंडरस्कोर इम्पोर्टेड, ये भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं तुम्हें दोनों का वो दिखा देता हूँ, आर्किटेक्चर छोड़ करके टेबल दिखा, ताकि तुम्हें पता भी चल। देखो वो डिलीट हो गया कस्टमर से भी, और ऐसे प्रोडक्ट से भी वो डिलीट हो जाए, इम्पोर्टेड वाली फिर वो डिलीट हो गया सारी। तो ये थी तुम्हारी लैब नंबर 11, जो बहुत आसान थी। सिर्फ लैब 10 था थोड़ा मुश्किल नहीं, मतलब नहीं थी थोड़ी, ये हो गई। अब आ जाओ तुम लैब 12 में, वो ये से भी आसान है, ये सबसे आसान है, इसमें आ जाओ। इसमें जो है ना, मैंने इधर आओ, अब तुम्हें बात बतानी है चीज़, इसको बंद करो, बगैर टास्क वाला खोलता हूँ पहले। देखो इसमें सिर्फ दो टास्क दिए मैंने, और बहुत आसान है। पहले बोला है कि डिलीट द टेबल्स कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर्स और ऑर्डर प्रोडक्ट, जो हमने लैब 10 में बनाया हुआ है। इंश्योर दैट देयर विल बी नो एरर ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट ऑफ फॉरेन की हिंट, फर्स्ट डिलीट रेफरेंस टेबल देन डिलीट मास्टर टेबल, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ डिलीटिंग द टेबल। वो कह रहा है सिर्फ टेबल हमें बताओ कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि इंसर्टिंग के लिए सबसे पहले क्या बताया कि पहले मास्टर टेबल में आप इंसर्ट करते हो डेटा और फिर रेफरेंस में। डिलीट के लिए उलट है, पहले आप डिलीट करोगे रेफरेंस से, डिलीट आप यहाँ से करोगे, फिर डिलीट इसका करोगे, डिलीट आप ये करोगे, फिर आप डिलीट इसको और इसको कर सकते हो। इस ये रेफरेंस है इसके लिए और इसके लिए, और इसकी और ऑर्डर प्रोडक्ट के जो मास्टर टेबल, ये मास्टर टेबल है और ये मास्टर टेबल है इसके लिए, और नहीं, इसमें लास्ट टॉप डाउन बॉटम अप का इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ी है, कोई AI VI थोड़ी चल रही है, डेटा स्ट्रक्चर का वो प्री आर्किटेक्चर थोड़ी है ये। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे फॉरेन की आएगी, ये फॉरेन की है ना, ये किसके टेबल की है फॉरेन की बताओ, ये किस टेबल की प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी किस टेबल की है। हाँ तो कस्टमर क्या हुआ, मास्टर टेबल हुआ, रेफरेंस हुआ, सही है, मास्टर हो गया, कस्टमर ऑर्डर्स हो गया। अभी से मैं इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, और कस्टमर और ऑर्डर्स के दरमियान बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर का हो गया टेबल मास्टर, ऑर्डर्स का हो गया टेबल रेफरेंस, सही। अब आ जाओ ऑर्डर्स और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अब इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आ रही है फॉरेन की, तो देखते ही मैं पहचान जाऊँगा ये जो है ऑर्डर्स का टेबल क्या है, मास्टर टेबल है, सही, ये क्या है रेफरेंस टेबल। ऐसे ही अब इन दोनों के लिए आ जाओ, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर प्रोडक्ट्स के लिए, ये क्या है, इसकी की यहाँ आ रही है उठकर, ये इसकी की यहाँ आ रही है फॉरेन, तो ये क्या हो गया मास्टर टेबल, और ये क्या हो गया रेफरेंस, तो रेफरेंस टेबल है ये मास्टर है इसके लिए,
ये मास्टर टेबल है, ये रेफरेंस है, ये मास्टर टेबल है और ये इसका रेफरेंस है। कस्टमर्स का रेफरेंस टेबल कौन सा है? ऑर्डर्स। तो इंसर्शन, इंसर्शन के लिए हमेशा याद रखना, पहले मास्टर टेबल में डेटा डाल इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद इनपुट हम करते हैं रेफरेंस टेबल में। तो सबसे पहले हमने इसमें करा था, फिर हमने इसमें करा, फिर हमने इसमें करा, फिर हमने सबसे एंड में इसमें करा। सही है। अब हमें डिलीट करना है, डिलीट के लिए उलट है। डिलीट के लिए सबसे पहले रेफरेंस करोगे, अगर नहीं करूँगा ना डिलीट, अब मैं बताता हूँ डिलीट नहीं। अगर मैं डायरेक्ट मास्टर टेबल डिलीट करना चाहूँ, मैंने करा ड्रॉप और टेबल, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। वो इतना बड़ा चौड़ा जो है ना, अजीब सा ये अब एरर मारेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट एरर। वो कह रहा है भाई इसकी फॉरेन की दूसरे टेबल में गई हुई है, किधर गई हुई है हमें पता है, हमने ऑर्डर टेबल में भेजी हुई है, तो वहाँ पे कस्टमर का रिकॉर्ड वहाँ पर भी शो हो रहा है ना। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, या तुम ज्वाइन लगा के भी देख सकते हो, ये जो कस्टमर की आईडी आ रही है ये वहाँ से उठकर आ रही है। तो कह रहा है ऐसे मैं डिलीट ही नहीं कर सकता, कह रहा है पहले यहाँ से हटाओ उसको, तो मैं डिलीट करूँगा। अब ऐसे ही तुम अगर डिलीट की भी कमांड चलाते हो ना, अगर तुम्हें कोई इंटरनल रिकॉर्ड डिलीट करना है, वैसे फ़र्ज़ करो कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, अब मुझे फ़र्ज़ करो कि ये डिलीट करना है कस्टमर नंबर टू अकमल, मैंने कह रहा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू टू। ये भी वही अलर्ट देगा। देखो आ गया इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो तुमने कंस्ट्रेंट बनाए हुए थे कि मैं ऐसे ही, तभी तो हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं कि कोई ऐसे ही जो है रेफरेंस टेबल में से डेटा ना डिलीट कर दे बगैर। कह रहा है वॉयलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, चाइल्ड रिकॉर्ड कहाँ फाउंड हो रहा है, रेफरेंस टेबल में। किधर होगा रेफरेंस टेबल, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आ रहा होगा, देखो टू आ रहा है रिकॉर्ड, तभी अगर टू नहीं होता तो फिर डिलीट कर देता ये पेरेंट टेबल में से, मतलब मास्टर टेबल में से। तो अब तुम्हें यहाँ से पहले टू डिलीट करने पड़ेंगे, फिर वहाँ से डिलीट हो सकता है। देखो मैं डिलीट करूँगा, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू टू। दो रोज डिलीटेड हो गई, अब हम देखते हैं रिकॉर्ड है नहीं बचा रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ से डिलीट करूँगा कस्टमर के, तो वो रिकॉर्ड कर दिया उसने डिलीट। तो यही, ये तो रिकॉर्ड्स की मैंने डिलीशन की बात करी थी, सेम अप्लाई ओवर जब टेबल को भी डिलीट करोगे। इसलिए टेबल भी तो रेफरेंस क्रिएट कर रहा है ना वहाँ जाकर, फॉरेन की का, उसके अंदर फिर जाकर रिकॉर्ड्स इनपुट होते हैं। तो वो कह रहा है भाई पहले जो हो ऑर्डर्स को डिलीट करो, जब ऑर्डर्स डिलीट होगा फिर कस्टमर को आप डिलीट कर सकते हो। पहले मतलब रेफरेंस टेबल को आपको डिलीट करना होगा, ड्रॉप करना होगा। तो अब देखो हमें ये तो करना है, अगर हम पहले, चलो हम सही है, हम ये कर देते हैं। मैंने कहा ये डिलीट टेबल ऑर्डर्स, अभी भी एरर देगा। अच्छा देखो ये कर दिया इसने ड्रॉप, और कहाँ गए। अब मैं अगर कस्टमर का टेबल डिलीट करूँगा ना, अब वो नहीं मना करेगा। देखो ये करा, अब मैं तुम्हें शो भी करा देता हूँ, तो वो हो सकता है वो दिखाई नहीं है, एरर दे दे कस्टमर का, टेबल ही नहीं बचा कस्टमर का। अब वो देखो एरर दे रहा है, कह रहा है भाई कस्टमर का टेबल ही नहीं है, ये लो सही है कस्टमर का टेबल ही। तो ये दो में हम दोनों में सक्सेस हो गए, इन दोनों को डिलीट करना। अब बताओ कि इसमें और इसमें से पहले कौन सा टेबल डिलीट करूँगा, ये बताओ। हाँ ये तो मैंने बता दिया, अब इन दोनों में से बताओ कौन सा डिलीट होगा पहले। इंसर्शन के लिए मैंने बात बताई है ना क्या होता है, पहले मास्टर टेबल में डेटा इनपुट होता है, फिर रेफरेंस में। डिलीशन के लिए पहले रेफरेंस में होगा इनपुट, फिर होगा चाइल्ड में, सॉरी पहले रेफरेंस से डिलीट होगा, फिर होगा पेरेंट या मास्टर टेबल से। बताओ मैं कौन सा पहले टेबल डिलीट करूँ, ये या ये, जल्दी बताओ, चैट पे लिख दो यहाँ पर। जल्दी जल्दी जल्दी
इंसान भी खो दिया, बंद करना था मुझे, ये भी बंद करनी है। बताओ कौन सा होगा? ऑर्डर वाला सर, ऑर्डर वाला तो डिलीट कर दिया ना मैंने, अभी यहाँ करा तो है मैंने। मैं इन दोनों का पूछ रहा हूँ, इसका और इसका, इन दोनों में से कौन सा होगा, प्रोडक्ट या ऑर्डर प्रोडक्ट होगा ये बताओ। सोचो सोचो। अच्छा प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट का क्यों होगा, आवाज खोल के बता दो अपनी माइक को बताओ। नहीं नहीं ये जो है मास्टर टेबल है। तो डिलीट ये वाला होगा पहले रेफरेंस, देखो इन ऑर्डर्स प्रोडक्ट होगा डिलीट। इंसर्शन में होती है, इंसर्शन में पहले पेरेंट मास्टर टेबल में डेटा इनपुट होता है, फिर रेफरेंस में होता है, सही है। डिलीशन इसका ऑलरेट है, डिलीशन में पहले रेफरेंस डिलीट होगा फिर मास्टर डिलीट होता है। तो अब मैं देखो डिलीट करने जाता हूँ अगर मैं प्रोडक्ट, देखते हैं क्या डिलीट होता है या नहीं। तुमने कहा था ना प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं पहले, यार इधर आ जा लड़के। डॉग टेबल तुम्हारी वाली अभी बात करते हैं, ये तुम्हारी वाली बात सही होती है नहीं तो वो एरर दे देगा। अरे भाई यार मैंने कंस्ट्रेंट सही से नहीं लगाए, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मैंने कॉपी करा, रुक जाओ अभी सारे डिलीट करके फिर से बनाता हूँ। करो 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 आप आ जाओ, ये मैं सारी आ जाओ अब आ जाओ आ गया। कंस्ट्रेंट एरर दे रहा है वो, असल में हमने जो है ना, मैंने शायद कंस्ट्रेंट का नाम जो है ना थोड़ा आगे पीछे टाइपो में करी है तो उस वजह से गड़बड़ हुई है। सही है ये दे रहा है कंस्ट्रेंट का नाम, गलत क्या कह रहा है, वही फॉरेन की कंस्ट्रेंट सही है। चलो मैं टेबल ऑर्डर का डिलीट करता हूँ अभी, पहले ऑर्डर वाले भी डिलीट करके देखते हैं क्या कहते हैं। तो ये देखो एरर दे दिया, यूजर कंस्ट्रेंट पे एरर टेबल नेम। तो अब सबसे पहले मैं कौन सा टेबल डिलीट करूँगा, सबसे पहले मैं ये वाला, तो ये जब डिलीट हो जाएगा तो फिर ये दोनों रिलीज हो जाएंगे इससे, ये रेफरेंस टेबल डिलीट करूँगा तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। आओ जाओ टेबल यानी ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स, ऑर्डर प्रोडक्ट सबसे पहले डिलीट हो गया इसलिए वो रेफरेंस है। अब मैं चाहूँ तो ये डिलीट कर दूँ, चाहूँ तो ये पहले डिलीट कर दूँ मरती है, चाहो तो ये रख दो, इसलिए अब तो दोनों मास्टर बचे ना, रेफरेंस का बचा ही नहीं ना, तो भाई अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी किया, टेबल डिलीट कर देता हूँ, टेबल भी चले गए। अब इन दी एंड कौन सा डिलीट करूँ, कस्टमर्स का, इसलिए कस्टमर्स तो मास्टर था लेकिन कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान ऑर्डर जो था रेफरेंस था, हो गया ये डिलीट। तो ये बनेगी, इनको आगे पीछे कर सकते हो तुम ऊपर नीचे, या तो पहले और ये कर लो या तो ये कर लो, इसलिए ये दोनों मास्टर थे, मसला सिर्फ रेफरेंस का था, सबसे पहले ये उठेगा फिर ये दो मास्टर्स बस फिर सारे डिलीट। तो ये सीक्वेंस है, सिर्फ इसका तुम्हें आउटपुट लगाना है करके कि ये सीक्वेंस बनेगी। और दूसरा सवाल जो था